जन जन की आवाज़ जीएन भारत आज फिर से मौजूद है। मेन रोड के बीचों बीच हम मौजूद हैं और आपको खबर हो कि उदयपुर में अभी एक दो दिन पहले ही बहुत ही कन्हैया जो कि एक टेलर थे उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी एक विशेष समुदाय द्वारा। आपको बताते चले ये हत्या जो है वो हिंदू धर्म के थे कन्हैया और वो नुपुर शर्मा को सपोर्ट कर रहे थे। अब इस खबर के बाद जो रांची पुलिस है वो बहुत अलर्ट हो गई है। आपको बताते राज्य पुलिस प्रवक्ता एवी होमकर ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हमने 3000 पुलिस बल तैनात कर दिए हैं, ताकि आपको बताते चले कि 10 जून को भी ऐसा ही हिंसा जो नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था उस विवाद को लेकर जमकर हिंसा हुई थी। ऐसी हिंसा हुई थी कि पत्थरबाजी हुई थी, प्रशासन को पत्थरबाजी को कंट्रोल करने के लिए गोली भी चलानी पड़ी थी। इसके बावजूद बहुत बड़ा एक बखेड़ा पूरे भारत ने रांची के उस तमाशे को देखा है और उसके बाद कितनी एसआईटी जांच का गठन हुआ है, रिपोर्ट्स गृह मंत्रालय पास भेजे जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं वहां पे एक भारी चूक यह हुई थी कि बिना, क्योंकि रिपोर्ट में भी हमने आपको भी खुलासा किया है कि बिना सूचना किए हुए 10,000 लोग इकट्ठा हो गए। इस बार प्रशासन पूरी तरीके से उदयपुर में हुआ है, लेकिन झारखंड प्रशासन पूरी तरीके से पुख्ते से मौजूद है, क्योंकि ऐसा सूत्रों के हवाले से पुलिस मुख्यालय को ये सूचना दी गई है कि कुछ संगठन जो है वो विद्रोह कर सकती, कुछ संगठन जो है वो फिर से धार्मिक स्थलों को टारगेट कर सकती है। इसीलिए पुलिस ने विशेष तौर पर हम मौजूद है हनुमान मंदिर में मेन रोड के और धार्मिक स्थलों को आप देख सकते हैं, यहाँ पुलिस की गाड़ी मौजूद है। यहाँ पे कुछ मैं चाहूँगी अपने कैमरामैन को वो थोड़ा सा आए इधर और आप देख सकते हैं कि अपने पूरे फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस वाले मौजूद है। ये मंदिर है, मैं चाहूँगी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से धार्मिक स्थल की सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ है उसको लेकर। जी हाँ, आप देख सकते हैं साफ तौर पर पुलिस वाले ने एक छावनी में एक टेंट में अपना पूरा ये ठिकाना लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत सारे अपने जो रिक्वायरमेंट्स है, जो बिलोंगिंग्स है वो भी वहाँ रखे हुए, ताकि इंस्टेंट कुछ वहाँ पे हेलमेट आप देख सकते हैं साफ तौर पर हेलमेट है और पुलिस वाले आराम से बैठे हुए। और स्पेशली यहाँ पे हनुमान मंदिर के सामने ये चीज़ बनाया गया है इसलिए क्योंकि पिछली बार भी हनुमान मंदिर को टारगेट किया गया था, यहाँ पे जमकर पत्थरबाजी हुई थी, कई सारी चीज़ें हुई है, फिर से जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस वाले पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। हम तो सिर्फ आपको ये हनुमान मंदिर को मैं चाहूँगी दिखाऊंगी जो कि 10 जून को बहुत ही हॉटस्पॉट रहा है। ये हनुमान मंदिर बहुत बड़ा हॉटस्पॉट रहा है और लाठी लेके, जी हाँ, इसी से लाठी चार्ज करते हैं पुलिस। आप देख सकते हैं हाथ में जो लाठी है, तो पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है। उसी तरीके रांची के चप्पे चप्पे पर पुलिस अपनी पैनी नज़र बना के रखी है। इस बार प्रशासन किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, वो नहीं चाहती है एक गलती जो एक बार हुआ उसे दोबारा दोहराया जाए, क्योंकि अगर दोबारा दोहराया जाएगा तो बहुत मुश्किल हो सकती है। इस बार गृह मंत्री अमित शाह खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं एसआईटी की रिपोर्ट में, दोबारा हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।